हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑटो गैलरी। हमारी दुकान ऑटो मैजिक कार डेको। सो भाई, आज मैं आपके लिए फिर से यहाँ पे लेके Z2 ब्लैक वेरिएंट है, बेस वेरिएंट। तो भाई इसके अंदर क्या काम है? तो भाई इसके अंदर है कंप्लीट काम, मतलब आज जो Z2 है भाई, इसको बना रहे हैं Z8L। तो भाई Z2 को Z8L बनाने के लिए क्या क्या लगता है? तो भाई इसके अंदर जो भी लगता है सब कुछ इसमें हम करने वाले हैं, कंप्लीट मॉडिफिकेशन। अब बात कीजिए सारा क्या सुनना भाई, सारा कुछ यहाँ पे लगेगा जेन्युइन महिंद्रा का सामान। साथ साथ बात कीजिए सारा काम हो रहा है अपनी दुकान ऑटो मैजिक कार डेको पे। तो भाई शुरू करते हैं, बता दो क्या क्या इसके अंदर अपग्रेड किया जा रहा है। शुरू करते हैं, बताना क्या क्या इसके अंदर अपग्रेड कर रहे हैं और Z2 को Z8 बनाने के लिए उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो भाई क्या क्या अपग्रेड कर रहे हैं इस बार हम? ये Z2 मॉडल है, इस तो ऑलमोस्ट बाहर से पूरा Z8L बनाना है, बाहर से पूरा Z8L सीट तो और सारा मैट फ्लोरिंग सब है। ठीक है, तो भाई बाहर से फ्रंट में क्या कर रहे हैं इस बार? फ्रंट में अपना ग्रिल क्रोम चेंज हो जाए, रिप्लेसमेंट पार्ट होता है जेन्युइन। हाँ जी, फ्रंट जेन्युइन DRL लगेगा, बेजल इंस्टॉल हो गया अपना बिना होल वाला। तो भाई देखिए बिना होल वाला है, बाकी भाई पहले कुछ इस चीज लग के आता है Z2 के अंदर। उसके अलावा भाई एसिस को हटा के इसको लगा देगा, प्रॉपर लॉक सिस्टम यहाँ मिलेगा जिसके थ्रू बिल्कुल नहीं निकलेगा। देख सकते हैं भाई यहाँ पे भाई अंदर की तरफ लॉक सिस्टम इधर होता है, तो भाई वो यहाँ पे लगा दिया गया है। बाकी बात का हेडलाइट है। अच्छा, ये अपना स्ट्रीट लाइट है, ये टॉप मॉडल वाला हेडलाइट लगा देता है। ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है, बाकी भाई इसके अंदर LED अपग्रेड यहाँ पे करवा सकते हैं। बाकी भाई यहाँ पे सिंपल से इंडिकेटर मिल रहा है, यहाँ पे आपको सिंपल से इंडिकेटर मिल रहा है, यहाँ पे पार्किंग मिल जाती है। भाई इसके अंदर आपको वैसे रोशनी में जाना चाहते हैं तो भाई इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अपनी LED को अपग्रेड कर सकते हैं जिसके थ्रू यहाँ पे रोशनी बढ़ जाती है। तो भाई सही कह रहा हूँ मैं, रोशनी बढ़ाने के लिए इसे LED अपग्रेड करें, उसके अंदर भी कुछ कर सकते हैं। रोशनी आपको ज्यादा चाहिए तो इसके अंदर LED कर दबाओ या कस्टमाइज हेडलाइट बनवा लो, कस्टमाइज हेडलाइट बनवा ले। तो भाई देखिए दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, डिपेंड करे, इसमें रोशनी नहीं होती, हमारे लुक के लिए होता है। ठीक है, तो भाई देखिए लुक में जाना तो भाई Z8L के लिए वो वाली मिल जाएगी टॉप मॉडल वाली। बाकी ब्राइटनेस में तो भाई यहाँ पे अपनी ब्राइटनेस को यहाँ पे आप बढ़वा सकते हैं। बाकी बात करिए भाई आगे जो हमारी नीचे लगती है स्किट प्लेट, तो वो इसमें लगने वाली है। अभी आगे पीछे था स्किट प्लेट है, साइड लाइटिंग है, साइड लाइटिंग वाला। हाँ जी, ऑटो फोल्ड मिरर है। ठीक है, साथ में अपना हैंडल टॉप मॉडल वाला है। हाँ जी भाई, देखिए सब कुछ यहाँ पे मिलाना बता देंगे क्या कैसे। डोर खुला हुआ है, डैशबोर्ड अभी खुले था, सॉफ्ट टच है डैशबोर्ड डोर में। ठीक है, प्लस फैन होता जितने भी इनर हैंडल है अपना रिप्लेसमेंट होगा, सारे रिप्लेसमेंट होने वाले हैं। ठीक है, बाकी भाई स्टीयरिंग पे भी रैप होने वाला, हमारा स्टीयरिंग रैप होने वाला, अपना स्टीयरिंग माउंट भी चेंज होगा। ठीक है, तो भाई बाकी देखिए इंटीरियर में यहाँ पे हमारा काम चल रहा है, सीट यहाँ पे निकल रही है, सीट का लगने वाले हैं भैया। फ्लोरिंग भी होने वाली हमारी नहीं, इसमें 70 मैट डलेगा, 70 मैट डलेगा डायरेक्ट। तो भाई देखिए डायरेक्ट मैट डलेगा, बट फ्लोरिंग अगर आप चाहते करवा तो फ्लोरिंग का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हो जाएगा, फ्लोरिंग हो जाएगा पूरी डाई कट, साथ ही साथ वाटर प्रूफ होती है भाई, वो डस्ट प्रूफ भी आपको मिल जाएगी। बाकी जो आपको बता रहे हैं यहाँ पे हैंडल पूरा रिप्लेस होने वाला है भैया। ग्रैब हैंडल का क्या सीन है, स्विच पैनल का क्या सीन है? ग्रैब हैंडल स्विच पैनल सारे चेंज होगा, सारा चेंज होगा, वाला लगेगा। ठीक है, तो भाई सारा गेट बोर्ड लगी है। हाँ जी, इसके अंदर ऑलमोस्ट सारा काम होने वाला, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या क्या काम था वैसे बता दो इसके अंदर? फ्रंट से अपना जेन्युइन DRL थे। हाँ जी, रेलर था। ठीक है, अंदर सीट तो 70 मैट, हेडलाइट में LED। हाँ जी, ये छोटे मोटे काम थे। ठीक है, तो भाई इसमें काम हमारा ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया। बाकी जो मेन गाड़ी हमारी यही है Z2, बाकी बात की गाड़ी तो हो रही, तीसरी एक और है। अच्छा भाई देखो वो रही तीसरी गाड़ी हमारी, वहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की खड़ी है। सुबह और क्या क्या इसके अंदर अपग्रेड, उसमें तो आप दिखा देंगे, पहले इसका कम्प्लीट करते हैं वीडियो में क्या क्या इसमें अपग्रेड करें। सेंटर जाली है। हाँ जी, अच्छा सेंटर जाली भी इसमें लगने वाली है। ठीक है, बाकी बैक के अंदर क्या सीन है, बैक में क्या हो रहा है हमारा? वाइपर वर्किंग डमी, वर्किंग लो भाई, वर्किंग वहाँ पे मिलने वाला है। रियर भी कैमरा मिल जाएगा, बम्पर पर मिल जाएगा, और रियर गार्ड लगवाना तो मिल जाएगा, रियर गार्ड मिल जाएगा, साथ में अपना स्पॉइलर भी लगने वाला है। तो भाई देखिए कंप्लीट आपको सामान मिल जाएगा, इधर आपको मिलेगा कैमरा, वर्किंग आपको वाइपर मिल जाएगा, साथ स्पॉइलर भाई नीचे आपको मिल जाएगा, बम्पर क्रोम, बाकी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी सारी, प्राइसिंग के साथ सारी वीडियो शेयर करें। ठीक है, तो भाई बाकी प्राइसिंग के साथ आपको दिखा देंगे पूरी वीडियो, एक बार आपको कंप्लीट लुक दिखा दूँ क्या क्या इसमें फिर से हो रहा है, बता दूँ स्पॉइलर कैमरा डमी वाइपर नहीं हो रहा, बाकी वर्किंग वाइपर हो रहा है, साथ ही साथ भाई नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्रोम, बाकी डमी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा वाइपर के अंदर। बाकी भाई यहाँ देखिए साइड बिडिंग भी लगेगी जो आपको पता है हमेशा लगती है, यहाँ से जो भाई पेज सिस्टम यहाँ पे मिलता है, पेज सिस्टम इसको निकाल लिया जाएगा, यहाँ पे लगेगा हमारा प्रॉपर क्रोम। बाकी बात करिए लास्ट जो पीस होगा वो हमारा पेस्टिंग पीस होने वाला है, कंप्लीट फिटमेंट के साथ प्रॉपर फिटमेंट यहाँ पे आपको मिल जाती है। बात की जाए अगर रिप्लेस की, तो भाई ये पूरा जो क्वार्टर ग्लास है उसे निकाल के रिप्लेस करने का ऑप्शन मिलता है। कैसे होता है वो, पूरा क्वार्टर ग्लास निकाला जाएगा, साथ ही साथ आपको महिंद्रा का जो क्वार्टर ग्लास है जेन्युइन वाला, उसके अंदर क्रोम की फिनिशिंग आपको मिलता है, तो वो यहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा। बाकी बात करें इंटीरियर की, तो भाई जैसा बता दिया यहाँ पे मिरर हैंडल हमारे रिप्लेस हो रहे हैं कंप्लीट जेन्युइन वाले, ग्रैब हैंडल चेंज होगा, स्विच पैनल चेंज होगा, स्विचेस भी हमारे चेंज होने वाले हैं,
साथ ही साथ सीट का यहाँ पे टॉप मोड वाला लगेंगे। उसके अलावा बात की जाए भाई स्टेयरिंग में हमारा कंट्रोल लगने वाला है पूरा, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कंट्रोल MID बटन यहाँ पे आपके फिक्स हो जाएंगे। उसके अलावा डैशबोर्ड में वर्क हो रहा है, सॉफ्ट टच गत्तों के अंदर भी सॉफ्ट टच हो जाएगा, जहाँ पे आपका आर्मरेस्ट थोड़ा हिस्सा सा हिस्सा होता है उनमें भी सॉफ्ट टच होने वाला है। बाकी साइड ग्लाइडिंग तो आपको बताई दी थी भाई, साइड ग्लाइडिंग यहाँ पे होने वाली है प्रॉपर, देखिए टॉप मोड वाली मिल जाएगी। उधर दिखा दूँ किस तरीके से हमारी अलग के आती है, सो भाई इधर देख सकते हैं कुछ ब्लैक तरीके की यहाँ पे आपको मिलती है कंप्लीट ब्लैक। तो भाई ये देखिए ब्लैक फिनिशिंग आपको मिलती है, तो भाई इसको वहाँ पे निकाल लिया गया, इसके चावल टॉप मॉडल जिसके अंदर आपको सिल्वर कलर की फिनिशिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो भाई Z2 को Z8 हाइब्रिड बनाने के लिए भाई ये तो बेसिक नीड होती है हमारी। बाकी बात की जाए और क्या क्या इसके अंदर इसमें तो भाई बता ही दिया था, लेके चलते हो वापस आपको। तो भाई साइड में भी इधर हो रहा है मतलब कंप्लीट ऑटो फोल्ड होने वाला है, जिसका आपको एक्सेस मिल जाएगा कंट्रोल रिमोट से भी, साथ ही साथ आपको एक्सेस मिल जाएगा अंदर जो हमारा स्विचिंग उससे भी। सो भाई मैनुअली कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्विचेस के थ्रू ORVM। बाकी बात की जाए भाई और क्या क्या इसके अंदर करवा सकते हैं, भाई यहाँ देखिए यहाँ पे आपको मिल सकता है ऊपर सनग्लास होल्डर प्रॉपर वर्किंग महिंद्रा आपको जरूर मिल जाएगा। साथ ही साथ भाई इसके अंदर आपको और भी मॉडिफिकेशन मिल जाती है, जैसे कि बात की जाए भाई जैसे भैया ने बता दी यहाँ पे लगने वाला हमारा फ्रेम। बाकी बात करेंगे और तो भाई ये देखिए आपको दिखा दूँ जो हमारा लगने वाला है, भाई इससे लगेगा हमारा सॉफ्ट टच भाई, इधर सॉफ्ट टच, ये चेंज सब मतलब पूरा गेट में जो भी हमारा ब्लैक दिख रहा है सब यहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका। बाकी फ्रंट में एक बार फिर से ले चलते हो, फ्रंट में लुक दिखा दूँ तो भाई अलॉय भाई ये देखो, पहले तो अलॉय देखो, अलॉय अगर आपको करवाने हैं लगवाने 18 इंच 17 इंच भाई दोनों यहाँ पे अवेलेबल होंगे। प्राइसिंग कितने भाई बता देंगे क्या प्राइसिंग होने वाली है। बाकी भाई ये देखिए टॉप मॉडल वाली हेडलाइट यहाँ पे इंस्टॉल कर दी गई है, जस्ट अभी दिखाया था अभी यहाँ पे लग भी गई भाई, यहाँ पे देखिए सीक्वेंशियल इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाएगा, प्रोजेक्टर यहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ अब बात की जाए यहाँ देखिए इसमें आप LED को अपग्रेड करवा सकते हैं। बाकी भाई देखिए उधर भी हमारे फिक्स हो चुके कुछ तरीके से आपको लुक लगने वाली है आगे हेडलाइट की। उसके अलावा बात की जाए फॉग लाइट यहाँ पे लगने वाली है, फॉग लाइट का बेजल देख लिया आपको बिना छेद का मिल रहा है। बाकी भाई यहाँ देख सकते हैं क्रोम वहाँ लगने वाला है एक पीस इधर, बाकी 6 पीस नीचे, टोटल मतलब 7 पीस यहाँ पे लगेंगे, परफेक्ट फिटिंग प्रॉपर भाई। देखिए पेज सिस्टम होता है यहाँ पे, देखिए पेज आपको दिख रहे होंगे इधर, ये देखिए भाई पेज आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो भाई पेज सिस्टम होगा बिल्कुल भी ऐसे नहीं चिपका के निकल जाए भाई, बिल्कुल नहीं निकलेगा। बाकी बात की जाए भाई थोड़ी देर में दिखाते हैं कंप्लीट मॉडिफिकेशन कैसे हमारी गाड़ी की हुई है। उसके साथ भाई देखिए सीट कवर के हमारे तैयार चले, फुल कंप्लीट बकेट फिटिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली है, कुछ इस तरीके से आपको लुक मिलेगी। भाई ये देखिए कोई यहाँ से देख कटर आता है पूरा काट के, भैया ये पूरा जो कट रहा है ये कपड़ा फेंकने में जाएगा या क्या होगा इसका? कपड़ा यहीं पर रहेगा। हाँ जी, इसके ऊपर से कपड़ा निकाल के इसमें से रॉड निकलेगा, रॉड इसी को डालेगा। हाँ जी, इसके बाद फिर फिट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई देखिए मतलब कपड़ा आपका वहीं रहेगा, फिटिंग आपको मिल जाएगी इसके ऊपर ही। भाई कपड़े की देखिए जो हमारा लगने वाला लेदर की क्वालिटी आपको यहाँ मिल जाएगी, बहुत अच्छी क्वालिटी है और साथ ही साथ भाई इसका सॉफ्टनेस भी अच्छी खासी आपको मिल जाती है। तो भाई जैसी फिटमेंट होती है भाई जो जो हमारी मॉडिफिकेशन यहाँ कंप्लीट होती है दिखाते जाएंगे क्या क्या हो रहा है, और Z2 को Z8 बनते हुए आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिखाएंगे। भाई यहाँ से काम यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है, बस यहाँ पे कैलिब्रेशन का काम चल रहा है क्योंकि इसमें लगा 360। तो भाई फुल यहाँ पे देखिए आपको दिखा दो, देखिए Z8 बन गई हमारी, Z2 जो आई थी। तो भाई जैसे हमारी कैलिब्रेशन खत्म होती है हमारा 360 कैमरा हमारा कंप्लीट एडजस्ट होता है, तो भाई दिखाते हैं क्या क्या इसके अंदर अपग्रेड किया गया Z2 को Z8 बनाने के लिए। तो भाई सारी मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो गई है, भाई Z2 हमारे पास आई थी अभी बन चुके Z8L, मतलब वो प्रॉपर आगे बोल नहीं सकता, Z2 थी हमारी, Z8 लग रही है, Z8 भाई यहाँ खड़ी है, सेम लुक मिलेगी, कोई डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो भाई क्या क्या इसके अंदर अपग्रेड किया इसको Z2 Z8 बनाने के लिए? सारा काम हुआ, मतलब टॉप मॉडल में बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, फ्रंट से बात करते हो तो अपना टॉप मॉडल वाला हेडलाइट सीक्वेंशियल इंडिकेटर के साथ जेन्युइन DRL प्लस जेन्युइन स्विच के साथ वर्किंग है, जेन्युइन स्विच के साथ वर्किंग होने वाला है, सेंसर अपना तो भाई सेंसर पूरा वर्किंग होने वाला हमारा, सेंसर रहने वाला। तो भाई देखिए आपको दिखा दे फ्रंट लुक यहाँ से दिखा दे, हेडलाइट दिखा दे जो टॉप मॉडल वेरिएंट है, साथ ही साथ भाई इसके अंदर आपको मिलता है इंडिकेटर जो हमारा सीक्वेंशियल होने वाला है। फॉग लाइट DR यहाँ पे फिक्स हो चुका है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा अच्छा खासा रिस्पॉन्स फॉग लाइट का। भाई उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो मिला सेंसर भाई वो भी कंप्लीट वर्किंग होने वाला है। उसके साथ साथ बात कीजिए थोड़ा बीच की सेंटर की, तो भाई यहाँ आते हैं भाई ग्रिल देखिए कंप्लीट यहाँ पे ग्रिल हमारी चेंज हो चुकी है, सारा का सारा यहाँ पे जनरल पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 स्लॉट आपको नीचे के, 1 स्लॉट यहाँ पे ऊपर का मिल जाएगा, सारा रिप्लेसमेंट पार्ट रहने वाला। ठीक है, इसके साथ नीचे अपना टॉप मॉडल वाला स्किड प्लेट अपग्रेड हुआ है। हाँ जी, जो सिल्वर फिनिश के अंदर आती है, सिल्वर फिनिशिंग यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी टॉप मॉडल वाली फील आपको मिल जाती है सामने से। बाकी बात की जाए कैमरा आ गया। हाँ जी, तो भाई फ्रंट कैमरा यहाँ पे आ गया, भाई फ्रंट कैमरा लगा क्योंकि भाई 360 व्यूज के अंदर आपको मिलने वाला है, 360 कैमरा लग चुका है। बाकी बात करें साइड प्रोफाइल के, साइड फेस में चलते हैं यहाँ पे, अपना कंपनी से लग के आया, किसी भाई को चाहिए तो मिल जाएगा अपने पास, मिल जाएगा। तो भाई स्टॉक में रहता है, ठीक है, 17-18 दोनों यहाँ पे स्टॉक में आपको मिल जाएंगे, अवेलेबिलिटी यहाँ पे सारी होने वाली है। उसके साथ बाकी भाई यहाँ पे और क्या हुआ है, ऑटो फोल्ड मिरर हुआ है, ऑटो फोल्ड मिरर साथ में जेन्युइन टॉप मॉडल वाला फुटरेस्ट अपना चेंज हुआ है। ठीक है, तो भाई देख सकते हैं प्रॉपर फिटिंग यहाँ मिल जाएगी, चढ़ के दिखा दो उस पर।
तो भाई देखिए स्टैंड देखिए प्रॉपर स्टैंड है, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, प्रॉपर फिटमेंट है मेरे साइड से लाइटिंग पियानो फिनिशिंग में सिल्वर फिनिशिंग में आता है। भाई देख सकते हैं जेड टू के अंदर प्रॉपर ब्लैक आते हैं, यहाँ पे हमने सिल्वर फिनिशिंग है, यहाँ पे आपको सेट लाइटिंग दे दी है जो टॉप मॉडल वाली फिर यहाँ पे देती है। बाकी हैंडल में देखिए टॉप मॉडल वाला हैंडल यहाँ पे आपको मिलने वाला है, तो भाई देख सकते हैं टॉप मॉडल हैंडल मिल जाएगा, बाकी बॉडी फिनिशिंग पेंट के साथ बॉडी पेंट के साथ भाई देखिए प्रॉपर यहाँ पे आपको सारा काम मिल जाएगा प्रोफेशनल्स के थ्रू यहाँ पे काम। बाकी बात करें और क्या क्या इसमें अपग्रेड किया, स्तरों में अपना जेनुइन रहने वाला, फोर पीस रिप्लेसमेंट रहने वाला, दो पीस पेस्टिंग रहने वाला, दो पीस पेस्टिंग आने वाला, अब ये लास्ट सीन का अगर हमें चेंज करवाना हो तो ठीक है। तो भाई ये देख सकते हैं पूरा हमारा रूफ पर जेन तरीके से लगाया गया, साथ साथ आपकी क्वालिटी दिखा दी, बिल्कुल लटक के दिखा दिया, बिल्कुल नहीं निकलेगा, प्रॉपर फिटमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी बात करें बैक प्रोफाइल की, बैक प्रोफाइल में आते तो भाई यहाँ देखिए सारा काम जैसे रूफ रेल हो गया अपना टॉप मॉडल लगा है। हाँ तो भाई देखिए स्पॉइलर यहाँ पे हमारा फिट हो चुका है, साथ ही साथ यहाँ देखिए टॉप मॉडल टेलर भाई फिर सिक्वेंशियल इंडिकेटर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। क्वालिटी भाई आपको प्रॉपर मिल रहा है क्योंकि सब कुछ यहाँ पे महीना जेनुइन आपको मिल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई पेलम पाली करके नकली लगा दे, नहीं भाई सब कुछ जेनुइन आपको मिल रहा है, बाकी चेक कर सकते हैं। बाकी भाई वाइपर का क्या सीन है, वाइपर अपना वर्किंग वाइपर रहने वाला, वर्किंग वाइपर रहने वाला, तो भाई वर्किंग वाइपर यहाँ पे आपको मिल रहा है, देख सकते हैं आपको वर्क करके दिखाते हैं, पूरा ऑटो कट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो भाई देखिए कुछ इस तरीके से आपको वर्किंग देखने मिल जाएगी, बाकी भाई ऊपर से पानी में आ जाए भाई जरा, हाँ तो भाई देख सकते हैं कंप्लीट वर्किंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और भाई ऑटो कट भी बंद करें जरा, तो भाई देखिए बंद होगा तो भाई यहीं पे आके बंद होगा, प्रॉपर ऑटो कट के अंदर आपको मिलने वाला है। बाकी बात करें भाई पीछे के दिखाते हैं, भाई यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ, तो भाई नीचे यहाँ पे आपको मिलना बम्पर क्रोम जो भाई एक पीस दो तीन टोटल तीन पीस में यहाँ पे आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ भाई नीचे देखिए, नीचे देखिए स्किड प्लेट भी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो गई है, प्लस अपना सेफ्टी गार्ड लगा है इसमें। हाँ जी जो डाइजेस्ट ब्रांड में रहने वाला, डाइजेस्ट ब्रांड के अंदर हमारा रहने वाला, तो ये अच्छी खासी क्वालिटी है अपना। हाँ जी तो भाई ये देखते हैं, बाकी आपको दिखाते हैं और क्या क्या इसके अंदर की अपग्रेड किया है। टॉप मॉडल वाला हैंडल पीछे भी टॉप मॉडल वाला, तो भाई देखिए यहाँ पे आपको सेंसर मिल जाएगा, बट अभी वर्किंग नहीं है, तो भाई वर्किंग बहुत जल्दी करके दिखाएंगे, बहुत जल्दी वर्किंग मिलने वाली है, तो भाई वर्किंग भी इसकी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। बाकी चलते भाई इंटीरियर में दिखाते हैं, इंटीरियर में क्या क्या इसमें अपग्रेड किया गया जेड टू को जेड एट बनाने के लिए। सुबह इंटीरियर में जाने से पहले आपको वर्क दिखा दो, ऑटो फोल्ड किया भाई एक बार दिखा दो कैसे, ये रहा ऑटो फोल्ड ठीक है भाई, बट हो गया ये हमारा अनफोल्ड हो गया, ये अनफोल्ड हो गया, ये हमारा अनफोल्ड हो गया, तो ये कंप्लीट हो गई। शीशा एडजस्ट करने के लिए राइट कर दो, हां जी तो भाई ये लेफ्ट, ये राइट हो गया, ये ऊपर जी, नीचे मतलब ये ऊपर ठीक है, तो भाई देखिए कंप्लीट यहां पे कंट्रोल मिल जाएगा। बाकी आपको दिखा दो दूसरी साइड, इसको ऐसे घुमा देना है दूसरी तरफ भाई, वहां देख सकते हैं ये हो गया अप, ये डाउन हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, राइट हो गया, तो भाई यहाँ से भी आपको कंप्लीट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। अपना टॉप मॉडल वाला सॉफ्ट टच, हाँ जी सॉफ्ट टच होकर देखिए प्रॉपर फिटमेंट आपको मिल जाएगा, कैसे टेढ़ा मैंने प्रॉपर आपको देखिए स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। बाकी स्टिचिंग के बाकी स्टिचिंग भी आपको अच्छी मिल रही है। जेनुइन स्विच अपना रिप्लेस हुआ है पियानो फिनिश में, प्लेट भी अपने साथ में रिप्लेस हुआ है ठीक है। इनर हैंडल अपना जेनुइन रहने वाला है, हाँ जी साथ में ग्रैब हैंडल ठीक है। तो भाई देखिए कंप्लीट यहाँ पे मतलब जितना भी सामान था सब यहाँ पे चेंज कर दिया है, सब कुछ आपको जेनुइन महिंद्रा मिल रहा है। बाकी भाई यहाँ देखिए एम्बिएंट जो है हमारी K4 एम्बिएंस लाइट रहने वाला है, K4 एम्बिएंट रहने वाला है, कितने पीस रहने वाला है हमारे, ये 6 पीस के अंदर रहने वाला है, 6 पीस के अंदर, तो भाई देखिए 6 पीस मिल जाएगा विद रनिंग कलर मिल जाता है, सिंगल चाहिए तो सिंगल भी सिंगल पीस में अवेलेबल है ठीक है। तो भाई सिंगल पीस के अंदर अवेलेबल होता है, बाकी रनिंग कलर आपको मिल जाएंगे, अच्छी खासी फिटमेंट आपको मिल जाएगी, भाई वर्किंग आपको बहुत अच्छी मिलेगी। बाकी चलते अंदर दिखाते हैं अंदर क्या क्या अपग्रेड किया है। तो भाई इंटे में जा रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ देखिए स्कॉर्पियो एन की बेजिंग के साथ यहाँ मिल जाए आपको स्किट प्लेट, प्रॉपर फिटमेंट मिल जाएगी। भैया इसके अंदर एक लाइट वाली आती है वो अवेलेबल आपके पास, वो भी मिल जाएगा अपना, वो भी मिल जाएगा हाँ। तो भाई देखिए वो भी यहाँ पे आपको अवेलेबल होता है। बाकी चलते हैं इंटे में दिखाते हैं क्या क्या इसमें अपग्रेड किया गया, GFX टाइप का अपना मैट डाला है। अच्छा भाई देखिए GFX टाइप का यहाँ पे आपको मैट देखने मिल जाएगा, प्रॉपर फिटमेंट देखिए अच्छी खासी प्रॉपर फिटमेंट है, ये टेढ़ा मेढ़ा प्रॉपर फिटमेंट यहाँ पे मिलती है। प्लस सामने डैशबोर्ड पे अपना सॉफ्ट टच का फील मिल जाएगा, ये लो भाई सॉफ्ट टच का फील भी यहाँ मिल रहा है, मतलब Z8 पूरी बनाई है इसको अंदर से भी बाहर से भी कंप्लीट Z8 वाली फील। बाकी देखिए बात करें स्टिचिंग, तो भाई स्टिचिंग भी यहाँ पे आपको प्रॉपर मिल रही है, कंप्लीट प्रोफेशनल वर्क यहाँ पे आपको मिलता है। अबे और क्या क्या स्टीयरिंग में क्या अपग्रेड किया इस बार हमने, स्टीयरिंग अपना स्टीयरिंग कंट्रोल चेंज हुआ जो पियानो फिनिश के अंदर आता है, इसमें MID का कंट्रोल मिल जाता है, भाई MID कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को मिला प्रॉपर मिला देखिए, तो भाई सारे कंट्रोल यहाँ पे आपको देख रहे हैं, वॉल्यूम ऑन वॉल्यूम बढ़ाने का वॉल्यूम करने का म्यूट करने का सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी भाई कुछ जैसे कैमरा भी आपको दिख रहा होगा, हाँ जी भैया और क्या बताते हैं आप, ये अपना ब्लूटूथ का सिस्टम लगा है, हाँ जी 360 के साथ है ठीक है। तो भाई देखिए 360 भी आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये अपना ब्लू पंथ का सिस्टम है, इसमें ऑटो कार प्ले एप्पल कार प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, 360 का ऑप्शन मिल जाता है। तो भाई ये रहा अपना 360 का व्यू, देखिए भाई 3D ऑप्शन यहाँ पे आपको मिला, पूरा 3D आपको व्यू मिल गया, फ्रंट व्यू मतलब ये हाँ जी पूरा है, ये अपना बैक व्यू हो गया, हमारा बैक व्यू हो गया, ये साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड राइट साइड हो गया, हाँ जी और ये बाकी हमारे पूरे सेंटर का दोनों फ्रंट व्यू हो गया अपना ठीक है, ये फ्रंट व्यू हो गया हमारा।
तो भाई देखिए प्रॉपर से मिल जाएगा। बाकी 3D आपको व्यू यहाँ पे देखने को मिल जाता है, कंप्लीट अच्छी खासी क्वालिटी मिले, कैमरा क्वालिटी देख सकते हैं अच्छी खासी मिले, प्रॉपर बिल्कुल भी ऐसा नहीं भाई कहीं से थोड़ा दिक्कत होगा, प्रॉपर व्यू यहाँ पे आपको अवेलेबल होता है। बाकी इंटरफेस देख सकते हैं, इंटरफेस कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको FM मिल जाता है, टाइम सेटिंग, एप्पल कार पे, एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ मिल जाएगा, ईजी कनेक्टिविटी यहाँ मिल रहा है भाई, फास्ट कनेक्टिविटी यहाँ पे मिलती है। कवर हो गया जो अपना मोन्ड मतलब फुल ब्लैक के अंदर रहने वाला ब्राउन स्टिचिंग से था। हाँ जी, तो भाई देखिए ब्राउन स्टिचिंग बाद आपको मिल जाएगा क्रॉस स्टिचिंग के अंदर। बाकी बात की जाए भाई इसके अंदर आपको और अवेलेबिलिटी मिल जाती है। Z2 मॉडल है, पिलर हैंडल नहीं आता। हाँ जी, हम पिलर हैंडल लगाए इसमें, सनग्लास होल्डर साथ में लगा है, सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, कम्प्लीट वर्किंग यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी, सनग्लास रखने की जगह मिल जाएगी, प्रॉपर वर्किंग, S2S फिटमेंट, बिल्कुल भी कहीं से कटा फटा नहीं, मतलब Z8 वाली फील यहाँ पे आपको मिल जाएगी, चाहे बाहर से देखो चाहे अंदर से देखो। भाई और क्या क्या इसके अंदर अपग्रेड किया गया? और अपना सॉफ्ट टच हो गया, सॉफ्ट टच हो गया, ठीक है। तो भाई यहाँ देखिए आमने सामने सीट कवर, ठीक है। तो भाई देख सकते हैं फिटमेंट, देखिए फिटमेंट आपको कितनी अच्छी मिले, प्रॉपर फिटमेंट मिल जाएगी। ये अपना ब्राउन ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ जो टॉप में फील आता है सेम फील है, ठीक है। बीच में परफोरेट मिल जाता है, S2S फिटिंग है, अपना चैन सिस्टम रहने वाला सारा। तो भाई देखिए सारी आपको यहाँ पे चीजें मिल जाएगी, जो भी भाई चाहिए होती है गाड़ी का सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, प्रॉपर फिटिंग यहाँ पे मिलेगी, कहीं से भी दिक्कत नहीं, रिंकल लेस यहाँ पे आपको काम मिल रहा है, साथ ही साथ क्वालिटी वर्क बहुत अच्छा है। जो भी क्वालिटी की बात की भाई क्वालिटी यहाँ पे टॉप मिलने वाली है, साथ ही साथ भाई वर्क भी यहाँ पे आपको टॉप मिलने वाला है। बाकी बात करते भाई और क्या इसके अंदर अपग्रेड किया अभी अपने? इसमें सारा यही काम हुआ जो हमने आपको सारा काम दिखा दिया, ठीक है। तो भाई देखिए Z2 का Z8L बनवाना तो भाई आप आ सकते हैं हमारे दुकान पे ऑटोमेटिक करोल बाग। बाकी भाई एक बार नंबर बता दो अपना, 9599219231 आना, तो आप तो पूसा रोड 17 पे आना है, रोलबाग सिटी हॉस्पिटल के सामने पड़ता है, तरीम रेस्टोरेंट, वहाँ से नीचे उतरते ही अपना पहला शॉप है। लो भाई आपको पहला शॉप मिल जाएगा, मतलब इजी एड्रेस है, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बाकी नीचे स्क्रीन में यहाँ पे फ्लैश हो ही रहा है। सो भाई अगर आपको चाहिए आपकी गाड़ी भी बने Z2 या कोई Z4 भी हो, सारी मॉडिफिकेशन यहाँ पे अवेलेबल है भाई, सारी अवेलेबल होगी हमारे पास, सारे जेन्युइन पार्ट के साथ, सारे जेन्युइन पार्ट, ठीक है भाई। देखिए आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा हमारे दुकान ऑटोमेटिक कार डेकोर पे। बाहर से एक बार लुक दिखा दूं गाड़ी की, कंप्लीट लुक आप देख सकते हैं, Z2 को Z8 बना दिया हमने। सो भाई देख सकते हैं कुछ फाइनल लुक मिलेगी आपको हमारी गाड़ी की, Z2 आई थी, Z8L यहाँ पे हो चुकी है। भाई अगर आपको आना ऐसा काम तो भाई फिर से बोलूँ आपको आना ऑटोमेटिक कार डेकोर। अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।